दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लगा हुआ मोगरा का पौधा फूल नहीं दे रहा है और ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो आप चाहते हैं कि वो फूलों से भर जाए और हरा भरा रहे, तो उसके लिए किस प्रकार की खाद आपने डालनी है, तो आज यही मैं इसमें बता रहा हूँ कि किस किस प्रकार की खादें आपने प्रयोग करनी है जो कि इसमें बूस्टर का काम करेगी मोगरे के पौधे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी पहाड़ी वाटिका यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ कि आपको कि आपका मोगरे का पौधा यदि फूल नहीं दे रहा है या उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो आप इसमें किस प्रकार की बूस्टर खाद का प्रयोग करोगे, तो मैं इसी खाद के बारे में आज आपको बताता हूँ जिसे मैं आज यहाँ पर बना रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी, रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज इसकी सबसे पहले रिपोर्टिंग करेंगे, इसके गमले की मिट्टी को चेंज करेंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये है गाय के गोबर और बांस के पत्तियों की एक साल पुरानी खाद, इसको हम मिक्स करेंगे। और ये मैंने मिट्टी में इसको पहले से मिक्स करके तैयार कर दिया है। और अब हमें क्या है कि इस गमले की सबसे पहले मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। तो दोस्तों, किसी भी गमले के पौधे की मिट्टी को फरवरी और मार्च के मध्य में बदलना चाहिए। थोड़ा आप गमले को ये ऐसे कर लो जिससे कि इसका मिट्टी गाय बाय ना हो, चारों तरफ ऐसे इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस अब बंद कर दे बंद। इस तरह आप आसानी से पौधे को मिट्टी सहित बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद क्या है कि गमले की पुरानी मिट्टी को बाहर निकाल कर उसके अंदर जो हमने सुराख किए हैं गमले में, उनको चेक करना है कि कहीं वो बंद तो नहीं हो गए। फिर उन सुराखों में क्या करना है, हमने छोटे छोटे जो पत्थर हैं, देखिए ये पानी निकासी के लिए रहता है ये सुराख, तो वो डाल देने हैं। इस तरह से पत्थरों को डाल दीजिए छोटे छोटे टुकड़े, जिससे कि पानी जो है आसानी से बाहर निकल जाए। इसके बाद क्या है, गमले के नीचे हम क्या डाल देंगे, प्याज के छिलके। प्याज के छिलके डालने से क्या होता है कि पौधे में कीड़ा नहीं लगता। देखो इस तरह से डालना है, प्याज के छिलकों में क्या है, फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। ये करने के बाद अब जो हमने गाय के गोबर और पत्तियों की एक साल पुरानी खाद बनाई है, देखिए ये बहुत अच्छी खाद हो रही है, ये इसको इस तरह गमले में डालना है। देखिए ये आधा मिक्स कर लेना है। ये करने के बाद अब आप पौधे को सावधानी पूर्वक गमले में रखें और प्रेस करके लगाएं। दोस्तों, यदि आपका मोगरा फूल नहीं दे रहा है या ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो आप उसमें अंडे के छिलकों की खाद भी डाल सकते हैं। अंडे के छिलकों की खाद क्या है, एक पावरफुल बूस्टर का काम करेगी। तो इसमें क्या है, अंडे के छिलके में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं और इनमें मौजूद कैल्शियम पौधों की ग्रोथ को लिए बहुत अच्छे होते हैं। अंडे के छिलके में क्या है, मैग्नीशियम फास्फोरस और पोटेशियम सहित कई पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी में मिलकर पौधों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अंडे के छिलकों को घर में एकत्रित कर लेना है। फिर उसके बाद क्या है कि इनको धोकर सुखा लेना है। फिर उसके बाद किसी डब्बे में ईमान जिस्ते में महीन बारीक पीसना है इसको। ये देखिए, अब इसके बाद क्या है,
ये मान जैसा अब मैं इसमें कूट लूंगा। ये देखिए भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है इसमें। बंद कर दे, तू बंद कर दे। ये देखो कूटने में ऐसे हो जाते हैं अंडे की छिलकी, ये ऐसे हो गई। मैं इनको बारीक कर रहा हूँ। अब इस बुरादे को हम पेड़ में ऐसे डाल देते हैं। देखो नजदीक से ये बुरादा हो गया। ये देखिए ये अंडे के छिलके का बुरादा पूरा। ये इस तरह से तैयार अंडे के छिलके का जो हमने बुरादा खाद बनाई है पौधे के चारों ओर डाल देते हैं और आपका पौधा काफ़ी घना भी हो जाएगा और 15-20 दिन में आपके जो मोगरे का पौधा है फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों आप महीने में दो बार 15-15 दिन में अंडे की छिलकों की खाद को पौधे में अवश्य डालें। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो हमने गाय के गोबर और पत्तियों की एक साल पुरानी खाद बनाई है इसको छिड़क देंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि गाय के जो गोबर होता है उसमें भी काफ़ी मात्रा में फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम पोटेशियम पाया जाता है। इसके बाद क्या है कि पौधे को चारों ओर से प्रेस कर लें इस तरह से, जिससे कि हमारी जो खाद है वो सब इसमें बैठ जाए अच्छी तरह से। ये सारी कार्रवाई करने के बाद आप गमले में ऊपर से पानी का छिड़काव कर दें। तो दोस्तों आज जो हमने गाय के गोबर और सूखी हुई पत्तियों की एक साल पुरानी खाद और अंडे के छिलकों की जो खाद बनाई वो हमारे जो है मोगरे के पौधे में क्या है बूस्टर का काम करेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करें वीडियो को, अपने कमेंट भी दीजिए और अपने घर में मोगरा के पौधे में अधिक से अधिक संख्या में फूल उगाएं। धन्यवाद। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड।